हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं दही वाली लौकी। बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, और इस सब्जी को फ्रेंड्स हम कुकर में बना रहे हैं तो मिनटों में बन के ये तैयार हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स तेल गर्म होगा, इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना सरसों, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम जस्ट इसका डबल 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे। जीरे का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही इसमें जाएगा 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। हरी मिर्ची को फ्रेंड्स हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हींग। तो हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी जले नहीं। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मसालों को मिक्स कर लेंगे, और अभी फ्रेंड्स हमें मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है, और सीधे हम लौकी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 250 ग्राम के करीब लौकी ली है। तो जब भी फ्रेंड्स आप लौकी लें, लौकी को छील के अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद आप इसे मीडियम साइज़ में कट कर लें। काटने के बाद फ्रेंड्स आप लौकी को ना धोएं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी फ्रेंड्स हमें लौकी को 3 से 4 मिनट भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स हम लौकी को भूनेंगे। तो भूनने से क्या होगा फ्रेंड्स, लौकी का जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आएगा, और इसका जो कलर है सब्जी का वो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो लगातार फ्रेंड्स हम इसे चलाते रहेंगे, और मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स हम लौकी को भून लेंगे। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए लौकी हमारी बहुत अच्छे से भून गई है, और तकरीबन 3 मिनट हो गए फ्रेंड्स मैं लौकी को भून रही हूँ। और बीच बीच में फ्रेंड्स हम इस तरह से चलाते भी रहेंगे। और अब फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप जितना पानी। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हमें पानी इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अभी देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई है सब्जी। और इस समय कुकर बंद कर लेंगे, और 2 सीटी आने तक फ्रेंड्स हम लौकी को पकाएंगे, और तेज आंच पे फ्रेंड्स हम लौकी को पकाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रेशर है, उसको हम रिलीज कर लेंगे और कुकर को खोल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी की सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी अगर लौकी की सब्जी खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। और अभी फ्रेंड्स इसमें हम ताज़ा दही ऐड कर लेंगे। तो दही आप अपने हिसाब से जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दही वाली लौकी हमारी बनके तैयार है, और इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा फेंटा हुआ दही और ऐड करेंगे ताकि सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये लौकी की सब्जी आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।